लाला जन्म सुन आई बसैया देना बधाई। ये उस समय का प्रसंग है जब रामचंद्र जी बहुत छोटे थे, उनका जन्म होता है और सभी सखियां जाती हैं बधाई लेने कौशल्या मैया के पास, तो किस भाव में कहती हैं, जो कि 500 वर्षों की तपस्या आज इस कलयुग में पूरा हुआ है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूपिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। 4:44 यहाँ पर हो रहे हैं। हम राम की पैड़ी से एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं और ये कार्यक्रम इसलिए विशेष है क्योंकि कुछ बहुत ही वीआईपी चेहरे आज न्यूज 18 इंडिया के मंच पर मौजूद हैं। और अगर मंच के बिल्कुल ऑपोजिट मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूं तो वहां भी नजारा अद्भुत है क्योंकि यहां सिर्फ अयोध्या से नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने से राम भक्त आए हैं। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये वो राम भक्त हैं जो 22 जनवरी का शिद्दत से तहे दिल से दिल की गहराइयों से इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं 3 लाख लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जान गवाई, 76 से ज्यादा आंदोलन हुए और आज 24 साल बाद वो घड़ी आई है जब टाट से हम सब के प्रभु श्री राम ठाट में जाने वाले हैं और अब वो घड़ी बहुत नजदीक आ गई है और इसीलिए यहाँ की रौनक कुछ और ही देखते बनती है। ये राम की पैड़ी में सरयू का पानी लगातार ठंडा होता चला जा रहा है लेकिन रगों का खून आस्था की गर्मी को छुपा नहीं पा रहा है। यही इस वक्त अयोध्या को परिभाषित करती वो तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं और जो खास मेहमान हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इस वक्त हमारे साथ लल्लू सिंह जी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन आप जानते हैं ये जो मंदिर शहर है वो इन्हीं के निर्वाचन एरिया में आता है। आप जानते हैं कि लल्लू सिंह जी फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आप जानते हैं कि कार सेवा करते करते अपनी जान को हथेली पर ले लिया था लल्लू सिंह जी ने और आज वो मौका आया है जब लल्लू सिंह अपनी आंखों से अयोध्या में प्रभु राम की मूरत को भव्य मंदिर में जाते हुए, विराजते हुए और सबको दर्शन देते हुए देखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी हैं जो कथा वाचक है और वृंदावन में इनकी कथाओं के को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत संजीव कृष्ण ठाकुर जी का। हमारे साथ यहाँ पर शंकराचार्य जी, नरेंद्र नंद सरस्वती जी भी मौजूद हैं जो कि वाराणसी के सुमेरु पीठ से ताल्लुक रखते हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। सर्दी है लेकिन तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अनुराग जी यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ यहाँ पर आचार्य महंत सुधीर दास महाराज जी महामंडलेश्वर हैं, उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। लल्लू सिंह जी सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूँ, 24 साल बाद एक बार फिर से प्रभु राम न सिर्फ राजनीति बल्कि आस्था का केंद्र भी नजर आ रहे हैं। वो लल्लू सिंह जिन्होंने कार सेवा की थी और आज जनता की सेवा करते हुए सांसद के तौर पर कैसे देखते हैं दोनों पहलुओं को? 1984 में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो इसके लिए संतों के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन प्रारंभ। हम सब उसमें आंदोलन में एक सिपाही के नाते काम करते रहे। अयोध्या के सभी पूज्य संत, अयोध्या के नागरिक सब ने मिलकर के उस आंदोलन में सहयोग किया और शरीक हुए। उस समय से लेकर के आज तक हम जिस विचार परिवार से संबंधित हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, उस पूरे के पूरे विचार परिवार ने उस आंदोलन का समर्थन किया और 2014 में जब सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी उसके बाद अयोध्या के विकास की गाथा प्रारंभ हुई।
आज अयोध्या आप सब देख रहे हैं किस प्रकार से चमक रही है, किस प्रकार से सुंदर बन रही है, किस प्रकार से स्वच्छ बनाने का प्रयास चल रहा है। अयोध्या में सभी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, अयोध्या रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है, भव्य रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन का दोहरीकरण जफराबाद से लेकर के बाराबंकी तक किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। अयोध्या में श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध हों इसकी व्यवस्था सरकार ने की है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का विकास हो रहा। तो लल्लू सिंह जी वो कहेंगे कि राम जी के आने का ही क्यों इंतजार था, वो मुहूर्त ना आती तब भी ये सुविधा मिल सकती थी ना अयोध्या वासियों को, क्यों नहीं मिली? नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तब से हमने आपसे पहले बताया कि अयोध्या के विकास की गाथा सुनी। क्या 2014 के बाद से अयोध्या बदला है? कितने लोग मानते हैं, अयोध्यावासी कितने हैं यहाँ पर, सच्ची बात बताइएगा। जल्दी इधर आइए, आइए आइए, अयोध्यावासी कौन कौन है, आइए आइए इधर आइए। अयोध्या से हाँ जी, कहाँ रहते हैं? यही रहते हूँ। लल्लू सिंह जी कह रहे हैं 2014 के बाद बदलाव आया, ऐसा है? विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जब 14 में सरकार बनी 34 विकास हो रहा। अब ओके, तो आप तो अयोध्या से जी, क्या नाम है? रागनी श्रीवास्तव। अच्छा, कितने टाइम से अयोध्या में? मैं अयोध्या में कम से कम हो गए, मुझे 40 साल। 40 साल 2014 के बाद ही आया डेवलपमेंट जी? पक्का? पक्का। था ही नहीं मैडम, उसके पहले कुछ नहीं, जब से मोदी जी आए हैं हमारे जैसे ही 40 साल मुझे भी हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। हाँ। मुझे भी रहते हुए 40 साल हो गया, ऐसा नहीं है। 2014 के बाद विकास होता जा रहा है और विकास अब बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब 2014 के बाद विकास हुआ कि उससे पहले भी हो रहा था? हो रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब बहुत तेजी से हो रहा है। मैं कुछ नहीं था, 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मेरा नहीं। अरे भाई, ये भी रह रहे हैं, मान लीजिए ना, इनकी बात भी तो माने। मैं भी 40 साल नहीं मानेंगे मैडम। 2014 के बाद से विकास हुआ, हम भी सर के बगल से ही हैं। हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा विकास हो रहा कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसा विकास, बहुत विकास। 2014 के बाद विकास हुआ है, जो हुआ है 2014 के बाद विकास हुआ है, इसके पहले विकास नहीं हुआ। अरे कोई ऐसा है जो कह रहा है 2014 के पहले भी भाई विकास होता था, ये क्या बात हुई है? हाँ हुआ। हम अयोध्या वासी है, अयोध्या के मूल निवासी, राम जन्मभूमि के बगल रहते हैं, 14 के पहले विकास है। और लल्लू सिंह को छोटे छोटे बच्चे यहाँ जाते हैं और मंत्री मिनिस्टर होते हैं, लाल बत्ती नीला बत्ती लगा के चलते हैं और ये बेचारे ऐसे चलते हैं, ऐसे जमीन ही रहता है ये। लल्लू सिंह जी की एक सादगी देखिए, आज सांसद है, पहले विधायक होते हुए बहुत विकास किया इन्होंने, आज हम लोग। लल्लू सिंह जी, आप इनको साथ तो नहीं लेकर आए आपने? हाँ, आप इनके साथ तो नहीं है? नहीं नहीं, हम जानते नहीं, तब नगर पालिका हुआ करता था। अच्छा ठीक है। मेरा मकान जो है सादरगंज में भी है और अयोध्या में भी है, मैं दोनों जगह देख चुका हूँ, ऐसा नहीं है, विकास लल्लू सिंह जी करते हैं, ये बहुत ही सादगी वाले ने। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मैं एक बात बस जानना चाहती हूँ कि अयोध्या की शक्ल और सूरत बदली है कि नहीं बदली है? हाँ बदली है, बहुत बदली है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी न्याय यात्रा चला रहे हैं, लेकिन न्याय उन्होंने किया नहीं था देश के साथ, न्याय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने किया है देश की जनता के साथ। हाँ भाई, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो कर दिखाया वो कोई सरकार नहीं, उम्मीद ही नहीं कर सकते थे बिल्कुल पहले। आज आप अयोध्या को बिल्कुल नहीं दिए हैं, लेकिन हम कह सकते हमारे सांसद जी बहुत विकास। अच्छा कह रहे हैं घूस नहीं दिए हैं, पर आपने पूछा के साथ नहीं आए, लेकिन बहुत विकास हुआ। अच्छा अब आप हटे, विद्यालयों में इतना योगदान है हमारे सांसद जी का कि उससे हम लोग और प्रभावित हैं। अच्छा ठीक है, ये तो अयोध्या वासी थे जिन्होंने हमें बताया है, ऐसा कोई है जो अयोध्या से बाहर का है? आप कहाँ से आए भाई? मैं श्री आनंदपुर साहब गुरुओं की धरती वहाँ पंजाब से आया हूँ, और मैं 1990 की कार सेवा में भी मौजूद था और 1992 की कार सेवा में भी मौजूद था। कैसा लग रहा है अयोध्या? आज बहुत बदली लग रहा है। अयोध्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या जी, बहुत अच्छा लगा मैम। हम कुशवाहनपुर से हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम 13 में आए थे, यहाँ कुछ नहीं था, आज देख के मन खुश हो गया है। सारी चीजें तो नहीं दिख रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है,
पर विपक्ष कह रहा है कि ये सब राजनीति हो रही है, तो वो क्या बोलेंगे, उनके पास है क्या, उनके पास अगर राजनीति होती तो 70 साल कांग्रेस की सरकार थी क्यों नहीं करी। लोगों का घर टूट गया है फिर भी राम के प्रेम में कभी भी दुखी नहीं हुए हैं, हमेशा उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं।